तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? यार उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार जिसका मैं ऐसे काफ़ी लोग बोल रहे थे थर्ड सर्विस की वीडियो चाहिए, तो यार फाइनली आज वो थर्ड सर्विस की वीडियो, मैं गाड़ी अपनी थर्ड सर्विस के लिए जा रहा हूँ। अब स्पीडो, अब इसका कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है मुझे पता नहीं, बाकी ये 14,000 मेरी गाड़ी चल चुकी है। मैं ऑन द वे हूँ सर्विस सेंटर के, मेरे सर्विस सेंटर मैंने अपॉइंटमेंट तो ले लिया है। तो यार आज हम जा रहे हैं प्लैटिनम नेक्सा, जो साउथ दिल्ली में पड़ता है ऑडी के शोरूम के जस्ट पीछे, अगर इन केस आपको पता नहीं हो तो। आज मैं गाड़ी वहाँ सर्विस कराने जा रहा हूँ, अपनी थर्ड सर्विस हो गई 10,000 वाली, जो कि मैं लेके जा रहा हूँ हालांकि 14,000 पे। तो चलो यार वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन रहता है, कैसे कितने पैसे लगते हैं और क्या मेरे को वो अपने मेरा थर्ड सर्विस वाला कूपन वैलिडेट करके देते हैं क्या नहीं। चलो अब मैं आपसे वहाँ पहुँच के बात करता हूँ, और अगर चैनल पर यार नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छे लगता है एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। शोरूम पे पहुंच चुके हैं, हालांकि ये ऑडी का शोरूम है, बस इसके मेरे पास आसपास की लोकेशन दी गई थी। एज यू कैन सी ये ऑडी, यहाँ पे भी जल्दी आएंगे यार कोई वीडियो शूट करने, इनसे बात कर लेंगे अगर कोई अभी अलाउ करे तो जल्दी। ये इसके साइड में BMW का शोरूम भी है, तो यहाँ पे भी आएंगे। तो यार अब मैं जस्ट आ चुका हूँ और मैं ढूंढता हूँ प्लैटिनम नेक्सा है कहाँ पे। चलो मैं आपसे वहाँ पे मिल के फिर बात करता हूँ। यार प्लैटिनम नेक्सा पहुँच चुका है, अब मैंने गाड़ी की अपनी टेस्ट ड्राइव भी एक बार करवा ली इनसे, मेरे को कुछ इश्यूज था गाड़ी के पीछे, अब आप सामने देख सकते हो हमारी एक्सप्रेसो खड़ी है। तो ये प्लैटिनम नेक्सा यार काफ़ी थोड़ा रिमोट सा लोकेशन है काफ़ी, आज सैटरडे होने के बावजूद ज़्यादा भीड़ है नहीं, तो होपफुली है मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ यहाँ से। तो मैं एक बार रोड टेस्ट भी करा लिया, आवाज़ आवाज़ तो ऐसा उनको मतलब अब उन्होंने जो चेक किया, बाकी मेरे को तो ऐसा कोई आवाज़ आता नहीं है, पर कभी कभी इसमें से कुछ डिक्की से आवाज़ आता रहा, तो मैंने एक बार इसे चेक करा लिया। आगे देखती क्या क्या, अब मेरे को इन्होंने जो जो कहा है कि खाली ऑयल चेंज होगा इस गाड़ी में और साथ में व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होगा और AC फिल्टर वगैरह सब साफ़ होंगे। अब देखते क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अभी ये गाड़ी शायद वॉशिंग के लिए खड़ी हुई है, ऐसे देख सकते मेरी गाड़ी लास्ट में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, अगर आपको देख रहा हूँ कि सामने इतनी लंबी लाइन है। तो देखते यार मैं आगे आपको अपडेट रखता हूँ। यार यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे आगे 5-6 गाड़ियाँ लगी हुई है, अगर आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में मेरे को बिल्कुल माफ़ करना, कि अभी 5-6 गाड़ियाँ, तो देखते यार कितने देर, मेरे को जो लग रहा है आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा वॉशिंग होने में, उसके बाद अपनी गाड़ी आएगी सर्विस बे में। अब सर्विस बे यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ, तो ये है सर्विसिंग चल रहा है यहाँ पे, शायद सर्विस बे अपनी गाड़ी लगी हुई है, हम लास्ट से अभी तो इस लाइन में, देखते आगे क्या होता है। तो सब तक जाके अभी तक तो मैं आया हूँ, तो देखते आगे क्या होता है। तो अपनी गाड़ी यार वॉशिंग लेन में 7th नंबर पे है, मतलब मेरे से गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ साफ हो रही है। ओके, एक और बात जो मेरे को आपको बतानी है इंपॉर्टेंट समझी मैंने, वो ये है कि यार थर्ड सर्विस में ये आपको कहेंगे अंडर बॉडी कवर कराने को। मेरी अभी इनसे बात हो रही थी, ये कह रही करा लो, पर मैं इन्हें इंसिस्ट, मैंने कहा कि यार ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, तो मैंने तो मना कर दिया। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कुछ कंपल्शन रहता नहीं तो आप भी मना कर सकते हो बिल्कुल, कि कोस्टल एरिया पर रहते हो तो भी मैं कहूँगा एक बार सोच लेना, बाकी वैसे अंडर बॉडी कवर कराने का कोई मतलब नहीं होता, खाली इनको अपने पैसे बढ़ाने होता है, बिल अच्छा बनाना होता है ताकि कस्टमर से अच्छा पैसे लिए जा सके, इसलिए कराते हैं बिल। भाई गाड़ी के अंदर बैठा हूँ मैं, अभी वॉशिंग की आपकी क्लिप्स दिखाता हूँ कि ऐसे वॉशिंग होती है। तो यार कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाना भूल गया, कुछ ऐसा दिखता है यार शोरूम बाहर से, अगर आप कभी आते हो तो मेन मथुरा रोड, ये रहा BMW का शोरूम है और ये ऑडी का। अब इस रोड से अंदर आता तो ये रहा प्लैटिनम नेक्सा है, आज मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, पिछली वाली सर्विस अपनी पास्को में हुई थी, आप देख सकते हो सामने। अगर हम देखेंगे ये देखो हमारी गाड़ी भी लगी हुई वॉशिंग लेन पे, सब देखते हैं यार कितनी देर में सर्विस करते हैं। इन्होंने मेरे को कहा तो है कि 4-4:30 बजे तक गाड़ी देंगे, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। कस्टमर लाउंज की वीडियो देखी होगी, अभी
मैं कचरा लाने जस्ट बैठा था, मैं जस्ट मेन बे एरिया में जा रहा हूँ, पहले यार इन्होंने वॉशिंग में गाड़ी लगा दी, अब उठा के इनको याद आया कि यार सर्विस भी तो करनी थी, अब सर्विस पर गाड़ी लगाई है यार, पहले ही सर्विस पर लगाए थे, पर नहीं वॉशिंग लाइन पर क्यों लगा रखी थी। चलो जो भी है, मैं सर्विस इंजीनियर सब कुछ चेक कर रहा है कि लाइट, ब्रेक, ऑयल, सब जो भी नेसेसरी चीज़ें चेक करनी होती है वो कर रहा है। अब मैं तो डिस्टर्ब ज़्यादा करूँगा नहीं, छोटे मोटे क्लिप्स होगा तो मैं ले लूँगा। तो यार अपना काम चालू हो गया, अब फाइनली आधे घंटे चढ़ चुकी है गाड़ी ऊपर, बढ़िया लग रही है यार, ऊपर लटक रही है गाड़ी, वैसे तो ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है। तो यार अब मैं ज़्यादा सर्विस बे में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, वो भी मुझे कुछ बोल नहीं पा रहे एज अ कस्टमर, और मैं समझ रहा हूँ कि उनको गाड़ी इधर उधर बैक आगे पीछे करना होता है, इसलिए ऐसे अभी एक गाड़ी निकली है। तो यार मैं सिर्फ कस्टमर लाउंज में जाके आपको वीडियो और शॉर्ट दिखाता हूँ, कुछ रहा तो यार। अब गाड़ी सर्विस हो रही थी तो मैं अंदर ही बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैं सोचा चलो साइड में थोड़ा घूम आते हैं। ये देखो बीमर की शोरूम, हमको भी यार दे दो एक गाड़ी रिव्यू करने को, ताकि मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पाऊँ। जैसे ये मेरे सामने ऑडी A4 खड़ी है, और ये Q2 है, Q2 यार काफ़ी छोटी सी है, उसके साइड में ई क्लास है पुरानी वाली, कोई एक्सचेंज में की होंडा सिटी है, ये कुछ Q2 की टेस्ट ड्राइव चल रही होगी इसलिए कवर कर रखा है गाड़ी। बाकी ये A4 है, उसके साइड में A3 है, अंदर इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी भी खड़ी है उसकी। तो ये देखो अगर आपको डांस दिख रहा हो तो ये तो Q8 है ब्लैक कलर की, और ये BMW का शोरूम है, अंदर मेरे को दिख रहा है जो X1 खड़ी है उधर। ये सब सही सीन है, मैं आपको थोड़ा रोड का लोकेशन समझा देता हूँ तब तक। ये सारे ऑडी का शोरूम खड़ा है यहाँ पे, यहाँ पे सारी इनकी गाड़ी रैप हो रखी है, एक और कोई A4 है डिलीवरी के लिए, उसके पीछे एक और, उसके बाद शायद S5 है ब्लैक कलर की, A4 के पीछे S5 है शायद, वहाँ पे सारी टेस्ट ड्राइव की गाड़ी खड़ी हुई है उधर। बाकी इधर बीमर का शोरूम है, पर्सनली यार मुझे BMW की गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है, ये कुछ थी क्लिप्स। तो यार गाड़ी की सर्विस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अभी ये गाड़ी अलाइनमेंट के लिए जा रही है, देख सकते हो बंदा मतलब जो मारुति का एग्जीक्यूटिव का वो गाड़ी लगा रहा है, सेट कर रहा है कि देखो अब चढ़ाएगा इसके ऊपर। अब जो भी अलाइनमेंट होता है, पहले मैं व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वगैरह, क्योंकि हर 10,000 में होना होता है, मैंने कहा यार 14,000 चली है गाड़ी तो करा ही लेते हैं, जैसे चढ़ा रहे आवाज़ होती है वर्कशॉप में काफ़ी, उसको मैं कुछ कर नहीं सकता, सॉरी अभी चढ़ गई है। और जैसे भी अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट में क्या कंप्यूटराइज होता है सारा चीज़, बैलेंसिंग हो चुका है, वेट लगा दी उन्होंने, तो मैं इसके आगे दिखाता हूँ क्या होता है। तो यार ये वॉशिंग बे में गाड़ी लग गई है, मेरे को आपकी आवाज़ अगर मेरी कम आ रही है तो मेरे को माफ़ करना है, यहाँ पे उनका कंप्रेसर चल रहा है, ये वॉशिंग बे में लगती है, अब वॉशिंग होनी है नॉर्मल गाड़ी की। देखिए यार आगे क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई लाइन में, वॉशिंग को जैसे पहले कंडीशन है बीन का सुधार देते हैं, अब देखते हैं वॉशिंग तो होगी, अभी बस फोम वॉश हो रहा है, फोम लग रहा है गाड़ी में होगा फोम वॉश, जैसा भी रहता है वॉशिंग में क्या दिखा रहा हूँ मैं सीधा आपसे मिलता हूँ जब मेरी गाड़ी का चेकआउट हो जाएगा। तो यार सर्विस तो हो चुकी है कंप्लीट बिल्कुल, मैंने जॉब कार्ड वगैरह सब कुछ इनका बिल जो भी होता है सब क्लियर करके अभी जैसे मैं गाड़ी लेके निकला हूँ शोरूम से, बिल मैंने जो गाड़ी में एक दिन कमी बताई थी, अब मेरे को उसकी एक डिक्की में आवाज़ आ रही थी वो तो नहीं आ रही, उन्होंने कहा हम सर रिजॉल्व कर दिया है, और दूसरा मैंने गाड़ियाँ बैलेंसिंग कराई है, तो यार उसका तो इफेक्ट दिखा है, गाड़ी इधर उधर भाग तो नहीं रही। बाकी एक बार हाईवे चला के आपको इसको बाद में अपने लेटेस्ट वीडियो में पक्का एक रिस्पांस दूंगा इसका। तो चलो अब मैं सीधा आपको दिखा दूँ कि मेरा बिल अमाउंट कितना है जिसके लिए आप इतना ये वेट कर रहे हो। तो यार अब मैं आपको जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे वो मैं दिखाया था, अपने घर पहुँच चुका हूँ। तो मेरा सर्विस का बिल कितना आया, तो यार एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी थी 3rd फ्री सर्विस, उसके साथ ही ना हाइजीन चार्ज लगाया है कुछ चीज़ें, चार्जेस आपको दिखा दूँ, पहले ये सब दिखा देता हूँ कि मेरे इसमें हुआ क्या क्या है। ये 3rd फ्री सर्विस हुई है, हाइजीन के चार्ज लिए उन्होंने जो कोविड के टाइम पे, ये वैसे मेरे को तो अननेसेसरी चार्ज लगता है, कंपनी का खाली रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। एक व्हील बैलेंसिंग का चार्ज है और एक व्हील अलाइनमेंट का चार्ज है। मैं रिकमेंड करूँगा यार ये दोनों आप बाहर से एक बार पता कर लेना कि जो भी कंपनी रेट ऑफर करती है उससे सस्ते में ही हो जाता है। यार रेट दिखा देता हूँ, तो जो 3rd फ्री सर्विस है वो तो फ्री सर्विस है, इसलिए उससे लेबर चार्जेस लगे हैं 0,
जो हाइजीन चार्ज थे उसके 175 रुपीज़ के लेबर लिया है। जो व्हील बैलेंसिंग का चार्ज है वो 485 और व्हील अलाइनमेंट का 575 का चार्ज लिया है। इसको हम सब टोटल करते हैं तो मेरा जो नेट अमाउंट प्लस मेरे को थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था, तो क्योंकि मेरी थोड़ी रेफरेंस थी इसलिए मेरे को डिस्काउंट मिल गया था, तो मेरा टोटल जो नेट अमाउंट आया वो है 2872 मतलब 2872 रुपये। ये मैंने गाड़ी सर्विस आज ही कराई थी, अब जैसे डेट देख सकते हो 24 तारीख, और मैं दिखा देता हूँ गाड़ी में अब क्या क्या चेंज हुआ है। मैं एक बार ये पेज को फोल्ड कर लेता हूँ तो देख सकते हैं यार मेरे गाड़ी में जो आइटम्स डले हैं वो ये आइटम्स हैं। सबसे पहले गैसकेट डला है, ये 5 रुपये समथिंग का है, फिर ऑयल ड्रेन फिल्टर व्हील अलाइनमेंट्स के, इनमें वेट्स के भी इतने इतने पैसे हैं, यहाँ तक कोई बैटरी का पेट्रोलियम जली उसके तक पैसे ले रखे हैं। मतलब यार तुम तो ये सब इंक्लूडेड देना चाहिए, सबका अलग अलग पैसे कौन देता है। जो मेन चीज़ है वो है इंजन ऑयल, तो इसमें 3.2 लीटर का इंजन ऑयल डला है जो 1087 का कॉस्ट करा है। तो यार ये सभी पार्ट्स डले तो टोटल मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी गाड़ी का टोटल जो अमाउंट आया वो है 2872। तो यही था यार एस्प्रेसो की सर्विस का वीडियो। मैं उम्मीद कर दूँगा यार आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।